नमस्कार दोस्तों, आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं और आप अपना वीडियो अपने मोबाइल से या अपने कैमरे से शूट करते हैं, या फिर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाते हैं और अपनी वॉइस अपने फ़ोन से, अपने कैमरे से या फिर अपने पीसी पर रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आपके उस ऑडियो या वीडियो में भी बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपके इस बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने में एक मिनट से कम का भी समय लगने वाला है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर से हम इसको प्रोफेशनली रिमूव करेंगे, आइए सीखते हैं अपने पीसी पर। और इसको समझने के लिए हमें अपने पीसी स्क्रीन पर चलना होगा, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पर हम देख लेते हैं फटाफट कि किस तरह से हम बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसकी वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल पर भी ऑडेसिटी टाइप करेंगे और फिर डाउनलोड उस पर लिख के डालेंगे तो वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने गूगल पर सिंपली ऑडेसिटी टाइप किया तो इसमें ऑडेसिटी डाउनलोड दिखा दिया, मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ ऑडेसिटी के नाम से उनकी वेबसाइट है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। यहाँ पर जाइए और इस डाउनलोड के ऑप्शन पे जाकर आप इनकी वेबसाइट से सीधा ये सॉफ्टवेयर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देख रखा है डाउनलोड फॉर विंडो 32 एंड 64 बिट, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर लिनक्स। आपके जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी विंडो यूज़ कर रहे हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास विंडो 64 है तो मैंने यहाँ से विंडो का वर्ज़न इसको डाउनलोड कर लिया है और उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आइए हम देखते हैं, इसको हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। यहाँ हमारे पास थोड़ा सा सिंपल सा यूज़र इसका इंटरफेस है और यहाँ पे फाइल है, एडिट का ऑप्शन है, ये सिंपल। इसमें बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ काम की होगी वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ रेड बटन है, आप इसमें सीधा क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। माइक आपने अगर अपने पीसी से कनेक्ट कर रखा है तो इसको क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा माइक अभी कैमरे से कनेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर ये किसी तरह का वो रिकॉर्डिंग दिखा नहीं रहा है। इसको स्टॉप करते हैं, मैंने आपको बता दिया है सिंपल सा, आप इसको अपने यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हम इसको क्रॉस कर देते हैं और हमने यहाँ पर एक ऑडियो ले रखी है जो रिकॉर्ड की है, हम उस ऑडियो को ले आते हैं यहाँ पर। ये ऑडियो रही हमारी और इसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो एक बार मैं भी थोड़ा सा इसको हेडफोन लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें किस तरह का नॉइस आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि बैकग्राउंड में किसी तरह का नॉइज़ आ रहा है। आज के वीडियो में हम यही देख लिया, यहाँ पर इस बैकग्राउंड में कुछ शोर सा आ रहा है ना, और ये टाइमलाइन है। मैंने वो फाइल यहाँ से ड्रैग करके डाली है, जहाँ भी आपकी ऑडियो फाइल वहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं या फिर यहाँ जाके ओपन से भी आप ओपन करेंगे और वहाँ जहाँ भी फाइल है वहाँ का आप पाथ देंगे और वहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप ला सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिंपली ड्रैग करके ले आए हैं और अब हम देखते हैं इसमें नॉइज़ है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा, ये जो टाइम लाइन है इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक प्लस का एक माइनस का, मतलब जूम इन जूम आउट दो ऑप्शन है, इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। और जूम इन के लिए Ctrl+1 और जूम आउट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+3। तो हम यहाँ पर सिंपली जूम इन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, हम यहाँ माउस से क्लिक कर देते हैं, देखिए, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा और हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से देख रहे हैं आप, इसकी साउंड दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखिए, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा, ये इस तरह से जो लाइनिंग आ रही है यही हमारी नॉइज़ है इसमें, और इसी को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के, देखिए यहाँ पर भी अगर आप सुनेंगे ना, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो ये नॉइज़ पूरे आज के वीडियो आपके ऑडियो के साथ ये मैच हो रखी है, तो हमें इसको कैसे निकालना है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें यहाँ से, हमें लग रहा है कि यहाँ पर ऑडियो
में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसको हमने थोड़ा सा सेट करके प्लस किया और इसके छोटे से एक हिस्से को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद हम नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर पे जाएंगे और नीचे नॉइज़ रिडक्शन पे जाएंगे। इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट नॉइज़ प्रोफाइल आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस सिस्टम में पड़ा हुआ रहता है 12.6.0.0 और 3। अगर आपके सिस्टम में आपके ऑडियो में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप चेंज करके थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ा है और ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ रखा है। यहाँ पर फिर गेट नॉइज़ प्रोफाइल का एक टैब मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये आपका काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको इसको पूरा सिलेक्ट करना है। इसको डबल क्लिक कीजिए या फिर यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिए, तो जैसा भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके यूज़ करता हूँ। डबल क्लिक किया जी, सिलेक्ट हो गया। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो वाइटिश सा दिखेगा ये दिखे। जब सिलेक्ट नहीं है तो ये ग्रे ग्रेश आ रहा है। सिलेक्ट कर दिया तो वाइटिश हो गया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेक्ट है, और नहीं भी होगा तो ये एरर दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है, आप यहाँ जाके अगले नॉइज़ रिडक्शन में जाते हैं तो ये एरर दे देगा। ये कहेगा सिलेक्ट द ऑडियो फॉर नॉइज़ रिडक्शन टू यूज़, कह रहा पहले सिलेक्ट कीजिए। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम इफ़ेक्ट में गए, नॉइज़ रिमूवल रिपेयर पे गए और नॉइज़ रिडक्शन पे दोबारा से क्लिक किया तो यहाँ पर फिर से आ गया। हमने नॉइज़ प्रोफाइल को तो पहले गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक कर चुके हैं, अब हमें सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही ये देखिए यहाँ से इसने नॉइज़ को रिमूव कर दिया। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ जूम आउट पे क्लिक करना था, अभी मैंने गलती से किया था, फिर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया तो अंडू हो गया, वापस आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, अब इस वॉइस जो अभी आपने वीडियो सुना था अभी उसको सुन के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, तो मैं ये जो ऑडियो है ये भी मैं ले आता हूँ एक बार। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से ये म्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको म्यूट करते हैं जिसको हमने नॉइज़ रिमूव कर दिए। इसको अब दूसरे को सुनते हैं प्ले करके। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि बैकग्राउंड में किसी तरह का नॉइज आ रहा है। इसको म्यूट करके हम इसको सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको से नॉइज एकदम से रिमूव हो चुकी है। अब थोड़ा सा हमें इसमें चेंज करना है, एक दो इफेक्ट डालेंगे और हमारी वॉइस रेडी है आगे यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया, इफ़ेक्ट में गए और सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा वो नॉर्मलाइज़ का रहेगा। इसको नॉर्मलाइज़ कर लिया और यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे ऊपर के जो टिक रहते हैं, नॉर्मलाइज़ पीक एम्पलीट्यूड और रिमूव डीसी ऑफसेट, और ये -1 ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसको एज इट इज़ रखिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अब ये नॉर्मलाइज हो गया, अब हम सुन के देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ी सी हम पिच को इसमें चेंज करेंगे। इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ इसमें पिच एंड टेम्पो में गए और पिच को अगर हम थोड़ा कम करेंगे, जैसे माइनस में करेंगे तो आवाज़ भारी होगी। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 21 कर लिया, अब यहाँ पर हम प्रीव्यू में जाते हैं तो ये इस तरह की जाएगी। हमें इतनी भारी नहीं करनी है, 4-4 करके देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको इतनी कम पर्याप्त है। अगर सबसे नहीं आपको ज़्यादा लग रही है तो -2 कर लीजिए, अपने हिसाब से जैसा आपको वॉइस पर सेट हो। नमस्कार वॉइस पर, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं 2 पर रखता हूँ मैक्स मोस्टली, तो मैंने 2 पर इसको किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपने नॉइज़ रिमूव कर दिया, आपने ये सारा काम कर दिया, और अगर इसमें आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो इसमें अगर आप चाहें तो बेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इसमें नॉइज़ रिमूव करने के बाद पिच का यूज़ करता हूँ। कभी कभी लगता है कि बेस की ज़रूरत है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, और ये फिगर्स मैंने खुद अपने हिसाब से एडजस्ट की है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें तो आपको अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लगती, मैंने इसको क्रॉस कर दिया और ये हो गया हमारा ऑडियो तैयार। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये हमारा ऑडियो तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने वॉइस ओवर के लिए या अपने किसी भी वीडियो या ऑडियो के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं नॉइज़ वाली, इसको कट कर देते हैं
और यहाँ पर जाके फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट एज MP3 करेंगे। जहाँ इसको हमने रखना है तो वहाँ इसको रख के आप सेव कर देंगे और वो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा और ये हमारी फाइल वहाँ पर सेव हो गई। अब इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। सेव करना है तो सेव करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको लगता है कुछ और चेंजेस करने तो सेव करके रख लीजिए, जैसा डेटा सेव करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ से नो कर दीजिए और फिर आपकी फ़ाइल वहाँ पर रेडी है और डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी, ये है वो फाइल। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें आपको क्लियर हुआ कि बैकग्राउंड में किसी तरह। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था और सिंपल था आपके ऑडियो या वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना। मुझे बताने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग गया हो, लेकिन जब आप इसको सिस्टम पर करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो फिर आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगने वाला है। क्योंकि पहले मैं इसका यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने ये अपने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है तब से जो ऑडियो में नॉइज़ आता है उसको मैं इसी तरीके से रिमूव करता हूँ और मुझे आप यकीन मानिए 10 से 20 सेकंड का समय भी नहीं लगता है। सिंपल सा मैंने ड्रैग किया, उसके बाद जाके वहाँ से नॉइज़ प्रोफाइल सेट किया और नॉइज़ को रिमूव कर दिया, जाके नॉर्मलाइज़ उसको मैंने टैब पर क्लिक करके उसको नॉर्मलाइज़ किया और जो इफ़ेक्ट देना है एक आध इफेक्ट देके हमारी ऑडियो तैयार हो जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।